अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा ये आलू। हमको दे दे ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ अपने जंगली रिजॉर्ट में, जो राजा जी टाइगर रिजॉर्ट मेरा रिजॉर्ट है, और मैं उसका पूरा आपको टूर कराने वाला हूँ अपने रिजॉर्ट का। कैसे कैसे रूम्स हैं, कैसे सराउंडिंग्स हैं, और ये जो सराउंडिंग्स हैं हमारे, पूरे फॉरेस्ट है चारों तरफ। जहाँ जहाँ आप देखेंगे ये फॉरेस्ट है, और ये आप देख रहे हैं मणिकूट पर्वत, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ। मणिकूट पर्वत जो शंकर जी से रिलेटेड है, बिल्कुल बगल में है, चारों तरफ घिरे हुए हैं। और आज हमारे साथ हैं चौहान जी, जो हमारे पार्टनर हैं जंगली रिजॉर्ट के। तो अभी पूरा आपको टूर कराता हूँ कि एक सराउंडिंग है। ये सामने भी पहाड़ का व्यू है, ये भी पहाड़ का व्यू है। यहाँ हमने शंकर जी का मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर, और इसके पीछे यहाँ पे, जो एक बार मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि हम कड़कनाथ मुर्गा पालने जा रहे हैं, तो कड़कनाथ मुर्गे की अरेंजमेंट यहाँ हो गया है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ कड़कनाथ मुर्गे भी होंगे, क्योंकि हमने 26 कड़कनाथ मुर्गे और मुर्गियाँ परचेज कर लिए हैं। तो अगर अगले आप न्यू ईयर के बाद आते हैं तो आपको यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गे भी मिलेंगे। तो चलिए आपको अपना टूर कराता हूँ रिजॉर्ट का। ये सरसों के खेत दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर की याद दिला रहे हैं। सारी जितनी मधुमक्खी इस पास में, हनी भी जो है, सारे इसमें घूम रहे हैं, और डर लग रहा है काट ना लेंगे, काट नहीं रही है। दोस्तों, ये है हमारा टेरेस हाउस। ये जो ओपन टेरेस है, ये टेरेस हाउस में है। इसके पीछे दो कमरे अभी आपको दिखाता हूँ, दो कमरे हैं। इसको हम फैमिली रूम की तरह भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि दो कमरे बिल्कुल अगल बगल बने हैं। यही ऐसे दो कमरे हैं जिनकी दीवारें आपस में मिलती हैं। अदरवाइज जो हमारी बाकी कॉटेजेस है, सबके बीच में 6-6, 8-8 फिट का गैप है। तो ये ओपन टेरेस है, और सबसे ऊपर वाले रूम है रिजॉर्ट के ऊपर। यहाँ से पूरे रिजॉर्ट का व्यू आता है। ये ब्रिक हाउस दिख रहे हैं हमारे, उसके नीचे वुड हाउस है, उसके नीचे टेंट हाउस है। ये हमारा डाइनिंग हॉल है, और एक बॉनफायर एरिया हमारा यहाँ पे है। मतलब कई बॉनफायर एरिया है, उनमें से एक बॉनफायर एरिया ये है। और ये एम्फी थिएटर टाइप का बनाया हुआ है, कि यहाँ बैठ के पहले हम वाइल्ड लाइफ मूवी यहाँ प्ले करते थे, लेकिन ये आम के पेड़ अब बड़े हो गए तो देखने में दिक्कत होती, तो नीचे प्ले करते। ये एम्फी थिएटर बनाया था, इसमें स्टेप्स में लोग बैठ जाते थे, और नीचे बॉनफायर भी चलता रहता था। दोस्तों, ये है हमारे दोनों टेरेस हाउस के रूम। जैसे मैं बता रहा हूँ, हम फैमिली रूम की तरह भी ट्रीट करते हैं, कि ये एक दरवाजा इधर है, एक इधर है, दोनों के अंदर अटैच वॉशरूम है, और ये ओपन टेरेस है। दो रूम अगर आपने बुक किया है तो पूरी टेरेस आपकी है, अदरवाइज यहाँ बैठने के लिए है, बड़ी सी टेरेस है। आइए रूम दिखाता हूँ टेरेस हाउस। ये दोस्तों टेरेस हाउस का रूम है, डबल बेड, उसके बाद भी काफी जगह होती है। दो सोफे लगे हुए हैं, पीछे ड्रेसिंग रूम टाइप का है, एक फोल्डिंग बेड है, एक्स्ट्रा बेड के रूप में लगाया है। जरूरत पड़ने पर एक फोल्डिंग, इसको थोड़ा सा और सरका दे तो एक फोल्डिंग बेड और आ जाता है।
तो प्रॉपरली चार बेड हो जाते हैं, उसके बावजूद मूविंग स्पेस होता है और इसका वॉशरूम भी काफी बड़ा है। आइए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। ये देखिए इसका वॉशरूम काफी बड़ा है, टेरेस हाउस का गीजर वगैरह लगा हुआ है तो काफी बड़ा, सबसे बड़ा वॉशरूम जो है वो टेरेस हाउस का है। हमारे दो टेरेस हाउस के रूम्स हैं। ये दोस्तों दूसरा टेरेस हाउस वाला रूम है, दोनों में केवल एक फर्क है, उसमें ऊपर रोशनदान है, इसमें इधर एक विंडो खुलती है। तो क्योंकि वहां ये पहाड़ी लैंड टाइप का था तो उधर जगह नहीं थी कि हम विंडो बना सकते थे। बाकी दोनों रूम का साइज बराबर है, वॉशरूम बराबर है, जैसा उसका वॉशरूम था वैसे ही वॉशरूम इसका है। यहाँ मंदिर है, अभी मंदिर भी आपको लेके चलूंगा। ये एक पहाड़ी नाला है जो हमारी लैंड में से होके जाता है, तो हमने स्टेप्स बना दिए, वो आप देख रहे हैं, क्रॉस करने के लिए लेंटर डाल के एक ब्रिज बना दिया है क्रॉस करने के लिए। तो जब बारिश में मानसून में जब ये पहाड़ी नाला बहता है तो ये स्टेप्स में झरने की तरह लगता है, और वैसे चढ़ने उतरने के लिए स्टेप्स भी बन गई हैं। एक्चुअली है ये पहाड़ी नाला। ये हमारे डाइनिंग हॉल से ऐसा व्यू आता है, ये ब्रिक हाउसेस दिख रहे हैं, उसके नीचे वुड हाउसेस, उसके नीचे टेंट हाउसेस, ये बॉनफायर एरिया है जो बड़ा बॉनफायर एरिया है, और नीचे वो रिवर का व्यू आता है जो मानसून रिवर नीचे से जाती है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर व्यू आता है पूरा जंगली रिजॉर्ट से, जंगल भी है, हिल्स भी है, और ये देखिए चारों तरफ जंगल है। एक तरफ एक घर बना हुआ है, फैमिली रहती है, और बाकी सारी तरफ जंगल ही जंगल है। ये बुफे नाश्ते का सेटअप है, ऐसे ही मील्स होते हैं हमारे यहाँ सारे, कोई मेन्यू कार्ड नहीं होता, अनलिमिटेड मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और मेन्यू वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बुफे सर्व होता है। दोस्तों ये हमारा डाइनिंग हॉल है, और यहाँ से विंडोज अगर ओपन कर दी जाए तो बढ़िया व्यू आता है सामने, पूरा रिवर का व्यू आता है। तो डाइनिंग हॉल से कुछ ऐसा व्यू आता है, बॉनफायर एरिया, वो मानसून रिवर, हिल्स, ये सारे व्यू डाइनिंग हॉल के अंदर से आते हैं। और ये डाइनिंग हॉल की जो लोकेशन है वो एकदम ब्रिक हाउस के सामने है, ये जो एम्फी थिएटर वाला एरिया है, ब्रिक हाउस, उसके नीचे वुड हाउस और टेंट हाउस, ये है बॉनफायर एरिया। दोस्तों ये डाइनिंग एरिया है, और अब चलते हैं आपको ब्रिक हाउस दिखाने के लिए। ये हमारे ब्रिक हाउसेस हैं, तीन हैं, आपको एक दिखाता हूँ, आइए। ये तीन हमारे ब्रिक हाउसेस हैं। जो ब्रिक हाउसेस से व्यू आता है वो बेस्ट व्यू है, टेरेस हाउस से भी अच्छा व्यू आता है, टेरेस हाउस क्योंकि सबसे ऊपर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का बहुत अच्छा व्यू आता है, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा क्योंकि एक घर बना हुआ है थोड़ा सा व्यू रुक जाता है, ब्रिक हाउस से कोई व्यू नहीं रुकता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है यहाँ से। ये इस साइड से ब्रिक हाउस के इधर से मणिकूट पर्वत का व्यू है, वो मानसून रिवर है, सामने भी पूरा हिल का व्यू है, और लास्ट वाले ब्रिक हाउस से देखेंगे तो लास्ट में पूरा ड्राई रिवर का व्यू आ रहा है जो कि मानसून रिवर है, मानसून में बहती है, बाकी टाइम अंडरग्राउंड पानी बहता है, ऊपर पानी नहीं होता। तो ये है ब्रिक हाउस का व्यू, तीन बने हुए हैं, आइए इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा ब्रिक हाउस, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है, अगर ये दो सोफे लगे हैं, डबल बेड है, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ है, जरूरत पड़ने पर एक एक्स्ट्रा बेड और लग सकता है, तो इसमें भी चार लोग आराम से रह सकते हैं, और ये ओपन पैसेज है निकलने के लिए, डोर सेंटर करके वॉशरूम जाने के लिए। इसका वॉशरूम टेरेस हाउस के बराबर बड़ा तो नहीं है, लेकिन वॉशरूम में दिखाता हूं आपको, ये छोटा सा ड्रेसिंग एरिया टाइप का है। ये दोस्तों ब्रिक हाउस का वॉशरूम है, छोटा है लेकिन कंफर्टेबल है। अब ये ब्रिक हाउस हम चल रहे हैं वुड हाउस की तरफ, यहां तक वैसे गाड़ी आ जाती है क्योंकि ये हिल पे है, बॉटम ऑफ द हिल से लेके ऊपर तक है, जरूरत पड़ने पर यहाँ पे 4x4 नहीं 2x4 भी, स्कॉर्पियो और दूसरी छोटी गाड़ी भी आ जाती है, अगर किसी को चलने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक गाड़ी, पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी ड्रॉप करके वापस नीचे चली जाएगी पार्किंग में। तो ये देख रहे हैं आप डाइनिंग एरिया, बिल्कुल जहाँ तक गाड़ी आ जाती है उसके पास में डाइनिंग एरिया है और ब्रिक हाउस, इसका मतलब तीन ब्रिक हाउस, तीन वुड हाउस और टेंट हाउस, सब में गाड़ी आ जाती है, प्रॉब्लम होती है केवल टेरेस हाउस में, जो ये इतनी स्टेयर्स चढ़नी है और करीब इतनी ही और स्टेयर्स चढ़नी है टेरेस हाउस जाने में, अगर किसी को चलने फिरने में दिक्कत है तो। आइए आपको वुड हाउस दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हमारे तीन वुड हाउस, सबसे पहले जब हमने रिजॉर्ट बनाया था इन्हीं को बनाया था,
और क्योंकि यहाँ पे हमें ओपन स्पेस इस वाले खेत में ज़्यादा मिला था, तो इसमें बैठने का बरांडा भी है। यहाँ पे आप कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं। ये पूरा वुड के बने हुए हैं और व्यू इधर से भी अच्छा आता है, लेकिन क्योंकि वहाँ प्लांट्स काफ़ी लगाए थे तो थोड़ा सा हाइड हो रहा है व्यू उस साइड का। इधर वाला व्यू सेम आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये वुड हाउस से ऐसा व्यू आता है मणिकूट पर्वत का। यहाँ देखेंगे तो हिल व्यू है और ये तीन वुड हाउसेस हैं। सामने रिवर का व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा से प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। अगर आप पास में जाएंगे तो व्यू आता है वहाँ से। दोस्तों ये हमारा वुड हाउस है, काफ़ी कोजी रूम है, छोटा है थोड़ा साइज में। इसमें डबल बेड है, ये चलने के लिए पैसेज है। इसमें ट्रिपल शेयरिंग काफ़ी मुश्किल से होती है, मुश्किल से ऐसे कि जब हम ये सोफा और टेबल बाहर निकालते हैं तो एक फोल्डिंग बेड यहाँ आ जाता है जरूरत पड़ने पर। अदरवाइज ये कपल रूम है, ट्विन शेयरिंग में होता है। ये सामने से विंडो से व्यू, सारे रूम से फ्रंट विंडो है और हिल व्यू आता है। लाइट थोड़ी डिम है तो ये छोटा सा वॉशरूम है इसका, और इसमें हमने फाइबर शीट लगाई हुई है तो चारों तरफ से कोजी रूम है, काफी अच्छा है और विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा रूम है। दोस्तों ये हमारे टेंट हाउस है, चार टेंट हाउस है, तीन ये लाइन से बने, एक नीचे एकदम रिवर के किनारे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये हमारी जिप्सी है, काफी यूज की हमने, अब पुरानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ इसको सेल्फी व्हीकल बना दूँ, इसको पेंट करवा दूंगा और लोग अपनी फोटोग्राफी कराएं, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी खर्चा है इसमें। ये हमारे कैंप्स हैं, इसमें एक ये डबल बेड समझ लीजिए, एक फोल्डिंग बेड है, ये ओपन पैसेज है यहाँ पे, और ये बजटेड कैंप है। अब कैंप्स थोड़ा रिपेयर मांग रहे हैं, रिपेयर क्या अगले साल ये कैंप ही चेंज होंगे, बाकी सेटअप तो रहेगा, ऊपर के टेंट चेंज करने पड़ जाएंगे, काफ़ी थोड़ा पुराने हो गए हैं। अटैच वॉशरूम है, दिखाता हूँ। ये टेंट के साथ में अटैच वॉशरूम है, इसमें फ्लोर में तो टाइल्स लगी हुई है, वॉल में टाइल्स नहीं है और छोटा सा है, मतलब तो बजटेड कैंप है ये हमारे। तो ये हमने जो कैंप्स हैं ग्रिल से कवर करके बनाए हैं कि ये डोर आप बंद कर दो क्योंकि जंगल के अंदर है, नाम ही जंगली रिजॉर्ट है, तो कैंप्स में सिक्योरिटी पूरी रहे इसलिए ग्रिल से कवर्ड है। ये हमारा वो रिवर साइड कैंप है जो मैंने बताया था, एकदम रिवर के किनारे है, यहाँ बैठने की जगह भी है और आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ ये रिवर है और उधर वो सामने रॉक क्लाइंबिंग वॉल है। अगर कोई एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहता है पहले से बताते हैं तो, क्योंकि एडवेंचर की हमको टीम बुलानी पड़ती है, तो ये वो रॉक क्लाइंबिंग वॉल है जिसमें हम रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग करा देते हैं। ये जो ड्राई रिवर है, मानसून रिवर मैंने बताया, उसी पर हमने वॉलीबॉल नेट लगाया हुआ है। वॉलीबॉल या क्रिकेट वगैरह खेलना होता है तो लोग यहीं पे खेल लेते हैं। अगर किसी को ज़्यादा अच्छा क्रिकेट मैच खेलना है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक प्रॉपर प्लेग्राउंड है, जंगल के अंदर ही बना हुआ है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रॉपर मैच भी खेल सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। ये देखिए ये नदी आ रही है सामने से, बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट के वहीं से, वो जो मैंने आपको टेंट दिखाया था, और इधर से देखेंगे आप तो नदी नीचे जा रही है और वो सामने मणिकूट पर्वत है, तो बिल्कुल रिजॉर्ट नदी के किनारे ही है, मानसून रिवर के किनारे, और इस नदी में 1 किलोमीटर आगे पानी निकल आता है, मीन्स अंडरग्राउंड उसके पानी बह रहा है लेकिन 1 किलोमीटर आगे पानी निकल आता है, तो साल भर पानी रहता है, पानी रहता है मुश्किल से 3 इंच 4 इंच या 6 इंच। आगे जाके 1.5 किलोमीटर दूर पे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वहाँ 2 रिवर स्ट्रीम्स का संगम है, वहाँ तो काफ़ी पानी रहता है, 1-2 फीट तक पानी होता है वहाँ पे। दोस्तों रिवर बेड से जंगली रिजॉर्ट का व्यू ये आ रहा है, ये रास्ता दिख रहा है ऊपर, सामने आपको टेरेस हाउस दिख रहा है, ये हमारा जनरेटर रखा है, पावर बैकअप भी है हमारे पास, और वो मंदिर दिख रहा है शंकर जी का, उसके नीचे ब्रिक हाउस है, पेड़ की ओट में है, उसके नीचे वुड हाउस और टेंट हाउस, ये हमने दीवार बनाई हुई है पानी के बहाव को रोकने के लिए, और आप ऊपर देखेंगे तो पहाड़ की चोटी है और वो पूरा जंगल है, चारों तरफ आप देखिए जंगल ही जंगल है और पहाड़ है जंगल है। ये आप देखिए चारों तरफ एक हमने 360 डिग्री व्यू दिखाया और इसमें हर तरफ जंगल है और ये रिजॉर्ट बना हुआ है। रात को हम बॉनफायर करते हैं तो लेपर्ड की आवाज़, बार्किंग डियर की आवाज़ आ रही होती है, और मॉर्निंग में भी आप उठते हो तो आपको चिड़ियों की चहचहाट और करीब 450 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ मिलती हैं आसपास, करीब 20 लेपर्ड्स की मूवमेंट है रिजॉर्ट के आसपास, आवाज़ आती है। ये जो मणिकूट पर्वत दिख रहा है ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर है और इसमें एक टाइग्रेस और 3 कब्स फॉरेस्ट वालों के अकॉर्डिंग रहते हैं और कभी कभी उनके लड़ने की आवाज़ आती है। शुभम तुमने लेपर्ड कहाँ देखा?
ये परसों हमने यहाँ पे एक लेपर्ड मिला था। हाँ। हम अपने टेरेस से साफ दिखा हमें, यहाँ से गया वो क्रॉस होके। हाँ। फिर नीचे नदी होके फिर आगे चली गई। कितने बजे की बात है ये? 4 बजे करीब। 4 बजे दिन में। तो देखिए, ये जंगली रिजॉर्ट के सामने ही बता रहा शुभम जो है कि टेरेस हाउस पे ये लोग बैठे हुए थे और यहाँ से लेपर्ड निकल के गया है। तो वो भी देख लेता है, जब खाली है तो अपना घूमता रहता है, जब गेस्ट होते हैं तो आसपास नहीं आता है। तो दोस्तों, ये है हमारी टीम। हरिओम। पुष्कर जी से पिछले वीडियो में आप मिल चुके हैं, चिकन के मास्टर। विकास और शुभम ये दोनों कुक हैं और ये बाकी सारे काम देखते हैं। तो ये टीम सारा काम देख, जब आप यहाँ आएंगे और मिलेंगे। ये हमने शंकर जी का मंदिर बनाया, यहाँ शिव परिवार स्थापित किया है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माता, नंदी जी और शिवलिंग यहाँ पे है। मंदिर से पूजा करते वक्त मणिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों मंदिर है और वो देखिए सामने मणिकूट पर्वत है। जब हम मंदिर के अंदर, क्योंकि इस मंदिर के 2 दरवाजे, जब पूजा करते हैं सामने मणिकूट पर्वत दिखाई देता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब शंकर जी ने विषपान किया था तो उनको मूर्छा आई थी, वो इस पर्वत पर लेट गए थे। तो इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। आगे जाके अगर यहाँ से हमारे रिजॉर्ट से ट्रैक करके जाएंगे तो 8 किलोमीटर है, बाय रोड जाएंगे 16 किलोमीटर है नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे जंगली रिजॉर्ट राजा जी टाइगर रिजॉर्ट के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।